हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जयकिशनिया यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका जंगल सफारी में। जंगल सफारी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत ही नज़दीक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो आज जंगल सफारी में हम घूमेंगे और उसके टिकट की प्राइस क्या है, उसका समय क्या है, टिकट की बुकिंग कैसे होती है, ये सब जानेंगे। फ्रेंड्स, पेड जोन और जंगल सफारी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जंगल सफारी में जाना चाहते हैं तो उसके गेट में एंटर होते ही बुकिंग वाला ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसका टिकट लेना है। और पेड जोन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका बुकिंग भी, उसका टिकट भी वहाँ से, यानी कि जंगल सफारी के ऑफिस से ही उसका टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जंगल सफारी जाना चाहते हैं तो वहाँ एडल्ट का जो टिकट प्राइस है वो है 200 रुपया और चिल्ड्रन का प्राइस है 125 रुपया। अगर आप पेड जोन में जाना चाहते हैं तो पेड जोन में एडल्ट का टिकट है वो है 50 रुपया और बच्चों का 25 यानी कि 25 रुपया। तो फ्रेंड्स, SOU टिकट नामक जो एप्लीकेशन है उसमें से आप SOU यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की सारी टिकट्स ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। इसके सिवा SOU टिकट नामक गूगल में जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन टिकट खरीदें या ऑफलाइन वहां जाके टिकट खरीदें तो टिकट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, सेम प्राइस होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनलाइन टिकट खरीदना ही प्रेफर करूंगी क्योंकि त्योहारों में वहां बहुत ही भीड़ लगी रहती है, लाइनों में खड़े रहना टाइम अपना व्यर्थ होता है, टाइम उसमें बहुत लग जाता है, तो इसीलिए ऑनलाइन टिकट ही बुक करवाएं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो आपके मन में ज़रूर ख्याल आया होगा कि ये अलग कैसे है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अदर जो एनिमल जूज होते हैं, प्राणी संग्रहालय होते हैं, इससे ये बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले पक्षी और प्राणी देसी भी है और विदेशी भी है, यानी कि विदेश से लाए गए कहीं नहीं पाए जाने वाले प्राणी और पक्षी भी यहाँ होते हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो पक्षी और प्राणियों को रखने की जगह है वो भी बहुत ही विभिन्न है। यहाँ के पक्षीघर इस तरह विभिन्न है क्योंकि यहाँ पक्षियों को किसी पिंजरे में कैद नहीं किया जाता है, वो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं और उसी खुले आसमान के जो कवर एरिया होता है उसमें आपको जाना होता है, यानी कि पक्षी और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पक्षी आपके आसपास उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके माथे पर या आपके शोल्डर पर यानी कि खभे पर भी वह आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ शुतुरमुर्ग, जिब्रा एंड जिराफ, ये सारे विदेशी पक्षी बहुत ही आनंद देते हैं। और जो ये जिब्रा था वो सबसे अलग, पूरे जू में सबसे अलग था और उसको देखने के लिए भीड़ भी इतनी ही उमड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जिब्रा, जिराफ, सफ़ेद बाघ, तेंदुआ और लामा यहाँ का एकदम अलग प्राणी है जो मैंने अधर जू में नहीं देखे थे और बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही सॉफ्ट भी है। और इसके अलावा यहाँ 5 प्रकार के हिरन अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिप्पो और राइनो भी यहाँ है, वाइल्ड एस भी है, शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और उस ये जो सारे प्राणी हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ बाहर आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो केज है उसमें 2 केज हैं, ये एक प्राणी है और इसके बाजू में एक मंकी का केज है, लेकिन ऐसा मंकी मैंने कहीं भी देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा है, यानी कि हमने डिस्कवरी में भी ये बंदर नहीं देखा था। ये बंदर बहुत ही छोटा है, यानी कि आपके दोनों जो हथेली है उसमें समा जाए इतने छोटे बंदर थे और वो बहुत क्यूट थे, मुझे तो घर ही ले आने थे। फ्रेंड्स, अभी हम जो चिड़ियाघर था, छोटे पक्षियों का चिड़ियाघर, उसमें हम पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने नज़दीक से फ़ोटो खिंचाए हैं, फ़ोटोज़ को क्लिक किए हैं। तो
तो ये सारे पक्षी अपने अपने जो खाने में पीने में अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, और हम लोग उन लोगों को देखने में मस्त थे। ये एक पग पर खड़े होने वाला पक्षी अब बतख को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चिड़ियाघर बहुत ही मस्त था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा केज है, और आप देख सकते हैं कि दो केज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन केज के बहुत बड़े एरिया में ये केज है, और उसमें इस प्रकार के वाटर सप्लाई फव्वारे हैं। ऊपर से फव्वारे थोड़े थोड़े समय के बाद होते रहते हैं, तो टेम्परेचर एकदम डाउन रहता है, जिससे पक्षी अपने आनंद में खुशी से रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पक्षियों के साथ रहने का जो मेरा अनुभव है बहुत ही रोमांचक था। फ्रेंड्स जंगल सफारी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर व्हीकल्स आपको मिल जाते हैं और वो फ्री में होते हैं।